पीछे से अगर बात करें गॉड लाइक भी मूव कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि एफएस और गॉड लाइक के बीच में क्या होगा। वेल द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग अगेन एंड जॉनाथन स्कोबीस अगेन 47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्स की आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्स ही है उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नॉकआउट प्लेस को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंडिंग स्पॉट, उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं, जीरो पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग, पांच फिनिशेस ये देखिए, जीरो प्लेसमेंट, पांच फिनिशेस। और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड, दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Nigma Galaxy is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए, that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेगा। बट ड्रीम्स, he got a watch out, it's Jonathan with his grenades, I mean it's got a connect, उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है ऐसा लगता है, जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। Nigma Galaxy के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को, अपोलो और विक्स की वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी has two grenades, he has to look out for two enemies, will he be able to do that? I mean Neon दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की HP देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्स के ऊपर पूरा भारत और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट करके क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने ज़हन में, जो गॉडल हमें दिखती है कि भाई ये गॉडल घुसती है, ढूंढना पड़ेगा, बट दैट नीड, एक पत्थर बचा के, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द जी गॉड वन, क्या पुश करेंगे जी, नियो पुश करना चाहते हैं, फियर्स यहां पे हील कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उसे, देर एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक, काफी वेल प्लान्ड था, इट वाज एग्जीक्यूट, यहां पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा निशाने पे, अगर टीम एनिमा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा देन एक एक करके सारी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% एचपी, वन मोर हिट और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम। Z-God का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ, गॉडलाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं बाकी लोग। यहाँ पर तीन मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे, बट जॉनाथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, ओपन में आप रोटेट करते हुए अगर पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर, देन इंस्टेंट एजे ने कंफर्म किया इंसेन भी एलिमिनेट होगी सातवें पायदान में विद फोर फिनिशेस, छह टीम निकालिए, बट क्योया को डाउन किया जाएगा नियो के द्वारा और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विस्गॉड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, जोन उनको लेकर के जाएगा, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनाथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके हैं। एक स्प्रे में आई एम प्रीटी श्योर दो प्लेस को डाउन करेंगे, गुल भी डाउन हो चुके हैं एक ही ओपी के द्वारा। रोल में अगर एक प्रॉपरली कुक नेड आया टीम एनिमा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचना मुश्किल होगा, बट जॉनाथन ओ माय गॉड Dude, just stop. You just did ping the server out. अब 3v3 situation है यहाँ पर. And Ocean, अब लग रहा है, अगर zone को देखते हैं, Godel के पास advantage हो सकती है. Because उनको कुछ खास movement करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जॉनाथन वो एमबीपी रैंकिंग में नंबर वन आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर वन जाने से बस एक पॉइंट दूर है, यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15 नंबर वन तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक फिर गॉड का डैमेज दिया जो कि ओवेश करने वाले बिल्कुल आगे की तरफ, उनको डाउन करने की पूरी पूरी कोशिश नहीं हो कर जरूर रहे। ओवेश की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जॉनाथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए, दलजीत ही वांट्स टू बी स्पॉटेड डाउन, वेल ही इज स्पॉटेड डाउन, बट जॉनाथन विद 10 फिनिशेस फॉर हिमसेल्फ, 10 फिनिशेस, ये नहीं रुकेगा, 11वां सामने है इस खिलाड़ी का और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। ही इज द एमवीपी राइट नाउ, ही डिड नॉट कम हियर टू कंपीट, ही केम हियर टू रूल and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves. यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पे पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing. मुस्कान देखी पता चले कि टीम में कितनी खुशी है, the difference was huge, but आखिरी में जब वो position point add होंगे, अब टीम Godel ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ओह गॉडलाइक, सांस ले लीजिए, मानता हूं ये इमोशनल टाइम ऐसे होते हैं, मैंने बोला है ना, देयर आर सर्टेन टाइम यू कांट कंट्रोल दिस गाय मिस्टर शर्मा, यही फ्लो, देयर आर सर्टेन गेम्स यू कांट कंट्रोल जॉनाथन,
ओह नो डाउट।